draw in the center a small outlining picture. It looks like a Taj Mahal or Lal Killa. Both are okay for that. So first we divided where we put the colors. Take a slant line here. This is the orange color part. Draw a random cervical line here. Then here we'll keep white, and here we are using green color. आपको पिक्चर जो है बहुत लाइटली ड्रॉ करना है. I repeat, draw very light picture. No need to do it little darker and all. So we orange, this is white and this is green. Now in between of page, take a point. Here I am taking a point in between of page. Page के बीच में ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ के आप एक पॉइंट लोगे. Now we'll make a small standing line here, lightly. Very lightly we'll make a small standing line here. Now we'll make here a slipping line like this. मैं आज सबका पिक्चर क्लास होने के बाद देखने वाली हूँ स्क्रीन पे. So do with me a small slipping line there and standing line. Now we are going to make here a shape like this. करके देखो आप यहाँ से तो क्लियर है बेटा. इशू रहेगा बेटा, दो मिनट वेट कर लो आप, नहीं तो थोड़ा ड्रॉ हुआ कि मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ पिक्चर निकाल के. ताजमहल में ऊपर जैसे घूमर का शेप रहता है वैसे हम लोगों ने एक घूमर शेप लिया है. विल मेक हियर थ्री स्लिपिंग लाइन. Then a standing line from both sides and a door shape. आपको इस white part में कुछ draw ही नहीं करना है, उसके ऊपर जितना आएगा उतना ही करना है. Side में हम लोग स्मॉल लाइन्स निकालेंगे ऐसे, एंड हियर वी टेक अ शेप लाइक दिस. नाउ we'll make this side a small slipping line again. Sorry, connected slipping line. यहाँ से हम लोगों ने ऐसे connected slipping line लिया है. Mark there and draw a door again. इंडिया में जिस तरीके से महल बनाए जाते हैं या जैसे हमारा ताजमहल का एक आउटर शेप है, वो शेप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे.
the last session we are doing here, we take two more lines. Upside we draw a shape again, three lines. Like this. इरेज करती हूँ तो आपको पिक्चर हो जाएगा। लोग जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड है। सो फर्स्ट वी मेक हियर टू लाइंस स्लांटिंग में। दिस कॉर्नर इज फॉर ऑरेंज कलर शेड्स, डाउन साइड कॉर्नर इज फॉर ग्रीन कलर शेड्स, सेंटर में हम लोग व्हाइट ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है जैसे एक ताजमहल का आउटर शेप, और इंडिया में जैसे महल बनाते हैं वो वैसे एक इंडियन ट्रेडिशन शेप ड्रॉ किया है। समझ में आया है आपको? थोड़ा फास्ट करना बेटा, बट बिकॉज कलरिंग इज लिटिल डिफिकल्ट टुडे। ओके प्रेक्षा, एक जॉइंट हुए हो, मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। सो वील मेक अ फ्लैग पार्ट हियर, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। ओके, and in the orange part we are making a building, that outer shape goes with the Taj Mahal shape or the traditional shapes of Indian mahals. So aap itna pehle draw kar loge, fir main aage ka explain karu. I'm waiting here for 2-3 minutes, just complete this outer line, means we are quite comfortable to do the next session. Okay, Gitanjali and Advi, आपको समझ में आ रहा है बेटा? अभी दिख रहा है? बर मी तुला व्हाट्सअप करू का परत? आता मी पेपर केलं होतं, लक्षात आलं तुझ्या? व्हाट्सअप करते म्हणजे तू काढून तर ठेव, मग आपण पुढचं बघूया। यहाँ पे मैं एक सिर्फ स्लिपिंग लाइन ले रही हूँ, यहाँ पे हम लोग इंडिया लिखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं गीतांजलि को व्हाट्सएप करती हूँ। अगर मेरा स्क्रीनर पिंपलो सौदागर में ओके ये जो दो बनाए हैं वो इसके ही ये साइड का पार्ट है, जो हमें नहीं दिख रहा था वो जो अभी दिख रहा है। दिस इज दिस साइड वन, जो मेन बड़ा सेंटर वाला घूमट है उसके साइड से भी दोनों जगह से हम लोगों को ये घूमट दिखेंगे अप साइड में। Thank you.
इसका भी ड्रॉ करके हुआ है। आप ऑरेंज कलर के आपके पास जो भी शेड्स है और ग्रीन कलर के जो भी शेड्स है उसमें पानी डाल दो। ओके, सबका ड्रॉ करके हो चुका है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो मुझे बोलिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नेहा फ्रॉम गढ़वा। सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर 300 प्लस आर्ट लेसंस फ्री। हल्का सा रेड जो है टोमेटो वाइड उसमें और डीप येलो में और ग्रीन स्टार्ट हियर द कलरिंग पार्ट because there is lot of coloring part and we don't have time. सबसे पहले हम लोगों ने जो पेंसिल से ड्रॉ किया है उसको हम लोग थोड़ा सा पेंट कर लेंगे। आई रिपीट, जो पेंसिल से ड्रॉ किया है उसे आप थोड़ा सा पेंट कर लोगे। Which picture you are going to draw with the pencil? Do it little lighter with the help of eraser. Because we are not doing today the outlining part. We are doing everything with the watercolors. So I'll teach you how to pop up picture without the sketch pen, only with the watercolors. अब हम लोगों ने इसे हल्का सा इरेज कर लिया है। नाउ टेक स्मॉल राउंड ब्रश अराउंड 3, 4, 5 कोई भी एक नंबर का आप राउंड ब्रश ले सकते हो। टेक अ राउंड ब्रश विथ योर कंफर्टेबल नंबर। Take orange color in the brush. I'm going to see everyone's picture at the end of the class. Orange color. Turn your book like this in opposite direction. And जैसे हम लोग स्केच पेन से आउटलाइन करते हैं वैसे आपको आउटर लाइन करना है ऑरेंज कलर से। लाइक दिस यू आर डूइंग द आउटर लाइन ऑफ योर पिक्चर विद द ऑरेंज कलर।
हमने जो पिक्चर ड्रॉ किया है उसे हम लोग ऑरेंज कलर से आउटलाइन करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग हियर ऑरेंज कलर एज अ आउटलाइनिंग पार्ट. Now fill the orange color in between part. बीच बीच में अगर बहुत छोटी सी जगह है तो आप ऑरेंज कलर फिल कर दो. I repeat, बिल्डिंग के अंदर आपको व्हाइट ही रखना है. This is the actual view. Okay, I hope everyone finished this part. Now you are going to take your book in opposite direction. आपको बुक को इस तरीके से उल्टा पकड़ना है. I repeat again, आप आपके बुक को इस तरीके से उल्टा पकड़ लो. जो भी आपके पास बड़ा ब्रश है, राउंड और फ्लैट ब्रश, एनी बिग ब्रश यू आर गोइंग टू टेक. Take little water in your brush and spread your normal water orange color के part में जहाँ जहाँ पे white color है अभी वहाँ पे आप सब जगह पे पानी spread करोगे. First we are going to spread your water. Not in the building inside, outside of the building, which part we leave from for orange color. See, ऐसे हम लोगों ने सब जगह पे पानी लगा लिया है सबसे पहले. First we put water in the outer side of this building, then we'll take some color. And we just split it here randomly. Orange, deep yellow, red, halka sa orangish red like this. You can take your new brush and just split it here somewhere. So it gives a beautiful shade. किसे समझ में नहीं आ रहा है, पहले आपको पानी लगाना है, फिर ऑरेंज के जो भी शेड्स है आपके पास उससे आपको ब्रश में लेके हल्का सा स्प्लिट करना है. यहाँ पे पानी लगा हुआ है ऑलरेडी तो वो अपने आप शेडिंग हो जाएगा. If anyone is having any doubt, you can ask me.
Everyone clear with all the things? मैंने यहाँ पे डीप येलो ऑरेंज एंड रेड आई एम यूजिंग हियर थ्री कलर्स फॉर द शेडिंग ऑफ ऑरेंज कलर मोस्टली वी आर यूजिंग हियर ऑरेंज कलर जैसे पूरे पार्ट में अराउंड 60-70% वी आर यूजिंग ऑरेंज कलर Now, anyone is having any doubts here in this part? I'm waiting here for 1 minute. If you're having any doubt, you can ask me. Hope everyone, this part is finished. Hi friends, myself Sneha. For subscribe my YouTube channel. Now if you want to join my online live classes, press the link below and fill the form. Thank you, Pastor. Because वो dry होने के बाद हम लोग उसके ऊपर lettering करेंगे और we'll do first lettering and then color. Now our upper side part is over. Here, first we are going to write India. यहाँ पे center में हम लोग पहले एक word write करेंगे India. That word you are going to write with the flat brush, round brush, or sketch pen or crayon. Anything you can use here. सेंटर में मैंने जहाँ पे लाइन मार्क किया है यहाँ पे हम लोग बड़े लेटर में इंडिया वर्ड लिखेंगे इंडिया वर्ड लिखने के लिए आप नॉर्मल राउंड ब्रश यूज करो फ्लैट ब्रश यूज करो और क्रेयॉन कलर स्केच पेन यू कैन यूज एनीथिंग हियर आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड चेक हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट हियर And then you start to write. तो सबसे पहले हम लोग जो स्लिपिंग वाला लाइन था उसको हल्का सा पेंट कर लिया हम लोगों ने Then I'll take here small size flat brush. It's a 3-number flat brush. I'm taking here blue color. I am taking your blue color for the right India. You can take red also, that is also looks nice, or you can take same blue color like me. Directly हम लोग जैसे normally pen से लिखते हैं आप वैसे ही यहाँ पे try करोगे आपको फ्लैट ब्रश से नॉर्मल पेंसिल पकड़ते हैं वैसे पकड़ के यू आर गोइंग टू राइट योर इंडिया करके देखो वो कितना थिक आ रहा है एंड यू हैव दैट मच ऑफ स्पेस दैट इज इम्पोर्टेंट इंडिया वर्ड इज फिनिश्ड इन द वाइट पार्ट बिकॉज हियर वी आर डूइंग द ग्रीन सेशन आपको चाहिए वैसे आप बाद में उसमें हल्का सा डिजाइनिंग भी कर सकते हो दैट डिपेंड ऑन यू सो इफ यू गॉट इट स्टार्ट योर वर्क एंड इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी एंड यू कैन यूज योर ब्रश पेन आल्सो ब्रश पेन से भी बहुत अच्छा दिखेगा ब्रश पेन से भी आप मोटा थिक वाला ड्रॉ कर सकते हो
it looks also nice with the brush pen. मैंने ऐसे यहाँ पे बहुत जगह दी तो इंडिया का आई जो है वो बड़ा किया है. I'm having lot of space here, that's why I'm doing this. If you don't have, don't do anything. Write normal India. I don't like this here. This is not look good. Write India there first. With the blue color, write there India. Now the downside we are using all green color here. Downside में हम लोग सारे green color use करेंगे. तो हम लोगों ने green color में पानी डाल दिया है. And we'll take water in brush. If possible, erase that pencil line. Do it little lighter. आपका जो pencil line है उसको आप हल्का सा paint कर लो. This is the borderline. We are going to erase this borderline and made it little faint. Now downside, with the help of brush, I put some water. उसके साइड साइड से व्हाइट जगह छूटा है ना. Do bordering of India. अच्छा दिखेगा. कंप्लीट होने दो उसको. ओके मैम. ओके सो डाउन साइड वी पुट योर सम वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड देन वी आर यूजिंग योर ग्रीन कलर. आप यहाँ पे ग्रीन कलर दोगे. आपके ब्रश में भी पानी है और नीचे भी पानी लगाया हुआ है तो ग्रीन कलर जो है वो अपने आप स्प्रेड होगा. जस्ट गिव सम टाइम टू स्प्रेड द ग्रीन कलर टू ईच अदर. जब आप स्प्रेड करते हो तो आपके ब्रश में भी पानी चाहिए. Like I'm taking water in my brush and then I'm taking this color and just spray it here.
That color mix with another green color very nicely, and the shade come out here. Like this, the green color part is over here. अगर कहीं पे स्प्रेड नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा ब्रश का टच कर दो तो वो कलर अपने आप स्प्रेड हो जाएगा. Let it dry and this is our today's picture. Here, upside some pencil lines are there. At the end, you are going to erase that lines. बट सारा पिक्चर ड्राई होने के बाद आई रिक्वेस्ट पिक्चर जब ड्राई हो जाएगा तब आप उसको इरेज करोगे. Hi friends, myself Sneha. Thanks for subscribing my YouTube channel. Now if you want to join my online live classes, press the link below.